इस तरह की ये पहली ट्रेन है। तो जिस तरह से वंदे भारत अपनी गति, सुरक्षा, बेंगलुरु में देख रहे हैं, वंदे भारत के इस सफर पर खुद प्रधानमंत्री इस वक्त ट्रेन में मौजूद हैं। दक्षिण भारत का 2 दिवसीय ये दौरा है और इसे कुछ देर में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। तो वंदे भारत एक्सप्रेस, जब हम बात करते हैं कि किस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है, तमाम जो मॉडिफाइड वर्जन्स हैं, मॉडर्न तकनीक आपको यहाँ पर मिलेगी। और सबसे अहम बात यह है कि सभी कुछ जो है वो मेक इन इंडिया के इस वक्तव्य को और मजबूत करता हुआ वंदे भारत एक्सप्रेस, जहाँ तक हम गति की बात करते हैं, गतिशील, सुरक्षित और साथ ही साथ एक आपको वर्ल्ड क्लास जो यात्रा का एक्सपीरियंस होता है उसे आप तक मुहैया कराएगी। हालांकि सेमी हाई स्पीड ट्रेन हम इसको मानते हैं और इसको डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग या तमाम जो इसके मॉडिफाइड वर्जन्स या और उन्नत तकनीक जो है वो भारत में ही निर्मित की गई है। तो दक्षिण भारत के 2 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री हैं, आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए। और अभी कुछ देर में इसी वंदे भारत एक्सप्रेस को, जो कि चेन्नई मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस है, इसी ट्रेन की सौगात मिलने वाली है बेंगलुरु वासियों को। देश की 5वीं, दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन, जिसकी शुरुआत आप देख सकते हैं, ये ऐतिहासिक पल जिसके साक्षी हम बन रहे हैं, इसे हरी झंडी दिखाएंगे अभी कुछ ही मिनटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसके साथ ही कुछ देर में भारत गौरव काशी जो ट्रेन है उसको भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस अपने आप में सुगमता के लिहाज से काफ़ी अहम, और जब हम बात करते हैं कि एक एक्सपीरियंस यात्रा का सुगम बनाता हुआ, आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री वंदे भारत एक्सप्रेस को, 5वीं ट्रेन दक्षिण भारत के लिए, झंडी दिखाते हुए वंदे भारत एक्सप्रेस, देश की 5वीं, दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चेन्नई, बेंगलुरु, मैसूर की जो कनेक्टिविटी है, आप देखिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी वहाँ मौजूद हैं, तो कनेक्टिविटी के लिहाज से वंदे भारत गतिशीलता को आगे बढ़ाती हुई, और ये जब पटरी पर वंदे भारत चलती है तो कहीं ना कहीं देश की आर्थिक व्यवस्था की एक मजबूत तस्वीर आप देख सकते हैं। तो वंदे भारत चल पड़ी है, देश की 5वीं, दक्षिण भारत की पहली ट्रेन वंदे भारत, जिसे हरी झंडी दिखाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, साथ उनके मौजूद थे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। और बता दें कि चेन्नई मैसूर वंदे भारत का जो ट्रायल था, ट्रायल रन चेन्नई के MG रामाचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन से शुरू हुआ था। तो दक्षिण भारत के 2 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को प्रधानमंत्री ने दिखाई है हरी झंडी। यात्रा का एक ऐसा अनुभव जो साफ तौर पर ये दर्शाता है, कहीं ना कहीं भारत का कद, जब हम कनेक्टिविटी के लिहाज से बात करते हैं, मॉडर्न ट्रेन्स की बात करते हैं, उसमें लगातार बढ़ता हुआ। और ये जो तमाम वंदे भारत ट्रेन्स हैं, जानी जाती हैं अपनी स्पीड के लिए, तो ख़ास तौर पर यात्रा को आरामदायक और गतिशील बनाने के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो IRCTC की तरफ से, सरकार की तरफ से मेक इन इंडिया का जो अभियान है उसे मजबूती दी जा रही है। वंदे भारत ट्रेन मेक इन इंडिया की कामयाबी का एक बेहतरीन उदाहरण है, और वो बेहतरीन उदाहरण इसलिए क्योंकि जब भी हम किसी भी राज्य तक पहुंचने की बात करते हैं, कनेक्टिविटी बहुत बड़ा इशू होता है, तो कनेक्टिविटी के लिहाज से इस तरह की ट्रेन जो है, जिसे सौंपा गया है बेंगलुरु की जनता को, वो सबसे अहम। तो वंदे भारत ट्रेन देश की जो पहली थी वो 15 फरवरी को चलाई गई थी दिल्ली कानपुर वाराणसी के रूट पर, और ये 5वीं है जिसे प्रधानमंत्री ने झंडी दिखाई है। और मेक इन इंडिया कामयाबी का एक बेहतरीन उदाहरण चेन्नई मैसूर वंदे भारत का ट्रायल रन जो था, मैंने आपको बताया कि चेन्नई के MG रामाचंद्रन स्टेशन रेलवे स्टेशन से शुरू हुआ,
इसका जो ट्रायल रन का वीडियो है उसे भी ट्विटर पर पोस्ट किया गया था। तो ये ट्रेन जो है किस तरह से यात्रा के अनुभव को काफ़ी बेहतरीन बनाती है वो हमने बाकी जो ट्रेन्स चली उनमें देखा, और अब क्योंकि ये पांचवी है तो हम मान सकते हैं कि लगातार आत्मनिर्भरता के साथ मेक इन इंडिया के इस मिशन को और ज़्यादा मजबूत करती हुई। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2021 की अगर बात करें तो लाल किले की प्राचीर से ये ऐलान किया था कि अगले साल तक सरकार की ये योजना है कि 75 शहरों को सेमी हाई स्पीड जो ट्रेन है यानी कि वंदे भारत उससे जोड़ना है। तो उस लिहाज उस क्रम में उस चरणबद्ध तरीके से अपने कार्य को सरकार करती हुई प्रतिबद्धता के साथ। और वंदे भारत के बारे में जिस तरह से हम देख पा रहे हैं तस्वीरें आप